जांजगीर चांपा जिले के नैला में स्वर्ण कमल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर यहां दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा भव्य मंदिर प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नैला दुर्गोत्सव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं। इस बार करीब 20 फीट व्यास वाले चांदी के छत्र के नीचे स्वर्ण कमल पर मां दुर्गा विराजमान हुई हैं। आपको बता दें कि मां का श्रृंगार भी देखने लायक है। उन्हें असली हीरे मोती और रत्नों से सजाया गया है। नैला स्टेशन की मां दुर्गा की प्रतिमा हर साल आकर्षण का केंद्र होती है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यहां भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। मां जिस स्वर्ण कमल में विराजमान है उसका व्यास करीब 40 फीट है। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस बार स्वर्ण कमल तो मां दुर्गा की प्रतिमा और दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना प्रवेश द्वार लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहां पंडाल भी बहुत भव्य बनाया गया है। स्वर्ण कमल को पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार किया। मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थानीय कलाकारों ने तैयार की है। मां दुर्गा की प्रतिमा के अगल बगल में मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। यहां श्री गणेश और कार्तिकी की भी 10-10 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित की गई हैं। वहीं पांडाल की लाइटिंग भी लोगों को खूब लुभा रही है। सभी मूर्तियां मिट्टी से तैयार की गई हैं। यहां पर पिछले 35 वर्षों से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता रहा है। पिछले 9 वर्षों से विशेष रूप से सोने चांदी के सिक्कों से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है और यहाँ अभी इस वर्ष अक्षरधाम की तर्ज पे 110 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है एवं माता जी की मूर्ति जो है स्वर्ण कमल पर विराजमान है। अंदर मूर्ति की हाइट करीब करीब 35 फीट है। शहर में सबका सहयोग से इतने उत्साह के तरीके से मनाया जा रहा है। कल एक चतुर्थी की मेहनी आई थी, मैंने उनसे कहा कि कलकत्ता बहुत नजदीक है आपसे, तो बोले नहीं हमको इस बार छत्तीसगढ़ जाना है। जांजगीर चांपा जिले में अपनी प्रतिमा स्थापित बल्कि खूब स्वर्ण कमल से विराजित है और स्वर्ण घरे 35